अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है 15 फेब 2022। बाकी की सारी इंस्ट्रक्शन आप खुद ही रीड कर लीजिए, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे और इसको हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे क्योंकि सारा सॉल्यूशन सॉल्व है, जस्ट समझाना है आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है जो आपकी स्क्रीन पर, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस 2 वाई पावर 2 डिवाइड बाई 2, और ये आगे लिमिट्स ये हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 है, और वाई ग्रेटर देन 1 है और लेस देन और ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, और एल्सवेयर ये सारा जो फंक्शन दिया है ये 0 है। ठीक है जी, अभी सॉल्यूशन वो क्या चाह रहा है, कह रहे शो दी शो दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज। अच्छा जी, एक्स फाइंड करना है, जो जो मार्जिन पीडीएफ होता है एक्स का, वो उसे कहा जाता है जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, कहता शो दैट मीन प्रूव करो कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/12 x फॉर के, जहाँ पे जो x है, क्योंकि x की लिमिट्स क्या होंगी, कह रहे हैं x 2 से लेस और ग्रेटर देन 0 के दरमियान जहाँ x है वहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 5/12 x है। इसको चीज़ को साबित करके दें। तो जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन का, तो हमने क्या करना होता है कि हमने जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की सिंबल लिखी हुई है, इंटीग्रेशन की सिंबल है, और 0 to 1 क्योंकि उसने लिमिट दी हुई है। अच्छा याद रखें कि जब भी जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं पी डी एफ को, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो ऊपर दिया हुआ है उसने, उसको वाई के लिहाज से आपने इंटीग्रेट करना होता है। सही है जी, इधर एक्स ही आपको नजर आएगी लेकिन इंटीग्रेट आपने वाई का करना, तो वाई की ही लिमिट्स पुट करनी है। तो वाई की लिमिट्स ऊपर ऊपर क्वेश्चन में जब देखेंगे तो 0 to 1 है। तो मैंने ये जो फंक्शन है सारा ऊपर उठा के जो ऊपर उसने दिया हुआ है वो सारा इधर लिख दिया, और डी ऑफ वाई लिख दिया, डी वाई लिख दिया, और ये लिमिट्स लिख दी। लिमिट्स एक्स की ये जस्ट ये बता रही होती कि इन लिमिट्स के दरमियान वाई जो है वाई उस पर इंटीग्रेट हो रहा है और जी ऑफ एक्स फाइंड किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये लिमिट्स आपको ऐसे लिखी नजर आएंगी लेकिन लिमिट्स आपने जब इंटीग्रेट करना तो आपने वाई वाली पुट करनी होती है जब फर्दर वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा जी, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई किया, 1/4 को बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाता है उसको। अच्छा जी, फिर एक्स अंदर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2xy2। ठीक है जी, बाकी सारी वैसे का वैसे ही, अब इंटीग्रेट करते 1/4 वैसे का वैसे ही, और ये जो मैंने जो जो डंडे खड़े कर दिए हैं, ठीक है, इनको जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो लिमिट्स के लिमिट्स लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इनको मॉड सिंबल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं लेकिन मॉड सिंबल कहते हैं इसको। अच्छा जी, अब एक्स को एक्स ऑफ वाई क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं तो साथ वाई आ जाएगा इसके साथ, और 2xy2 है तो y2 को हम जब इंटीग्रेट करते हैं y की पावर 1 बढ़ा दी जाती है, डिवाइडेड बाय उतने से डिवाइड किया जाता है, y3 डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3x3 आ गया। अच्छा जी, बाकी ये सारी हमने ये मैंने ये आपको पुट करके दिखा दी वैल्यूज, ये देखिए पुट करके दिखा दी हैं, 1/4 को बाहर के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने बड़ी एक ब्रैकेट लगाना, समझे कि मैं भूल गया हूँ, अपने 1/4 के बाद एक ब्रैकेट लगानी बड़ी सारी जिनके, और इन दोनों को, इसको और इसको और इसको, दोनों को दरमियान में पैक कर देना आपने। अच्छा जी, अब जब वाई की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन है 0 पुट करेंगे तो ये, तो जब 0 पुट करेंगे ये सेकंड वाला पोर्शन सारा ही 0 हो जाएगा, 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 5x/12। तो यही वो कह रहा है, शो दैट हमने प्रूव कर दिया, तो आप यू कैन से दैट हैंस प्रूव दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x/12। अच्छा जी, तो अभी आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 के ऊपर, कह रहा है आल्सो कैलकुलेट ई ऑफ एक्स मींस के एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करें, या मीन वैल्यू भी इसे कहते हैं फाइंड करें। कह रहा वी हैव मैंने लिखा कि जी ऑफ एक्स 5x/12 हमें ऊपर दिया हुआ है और हमने प्रूव भी कर चुके हैं कि जी ऑफ एक्स 5x/12 ही है। ठीक है जी, अच्छा जब ई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो ई ऑफ एक्स का फार्मूला लगाते हैं, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल, और जी ऑफ एक्स जो कि ये है इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा एक्स के साथ और उसको इंटीग्रेट कर देना होता है एक्स के हिसाब से, तो जिसके साथ करना होता है फिर डी एक्स मैंने साथ लिख दी। अच्छा जी, आगे हम वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, अभी जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की तो 5/12 आ गया, तो मल्टीप्लाई करके 5
ओवर 12 एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब बराबर 3, मतलब एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक ऊपर प्लस करते हैं और टोटल पावर से डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब बराबर 3। अच्छा जी, ये सोल्यूशन आ गया। तो जब सोल्यूशन आपके पास आ गया है तो आप वही काम करेंगे, 0 to 2 वाली जो लिमिट थी वो इनमें पुट कर देंगे एक बार, पुट करके 2 वाली पुट करके फिर माइनस लगाते हैं, फिर उसी वाली में 0 पुट कर देते हैं। तो सेकंड वाला फैक्टर 0 हो रहा है इस केस में, और आपका आंसर आ रहा है क्या, 10/9। ओके जी, जी ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, मैं अभी आपको मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, नहीं तो कमेंट्स में शुरू हो जाना था आपने कि सर ये जी ऑफ एक्स कहाँ से आ गया। ठीक है, मैंने मॉडिफाई कर दिया। अच्छा जी, अभी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा जी फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन 1, मीन्स वो कह रहा है कि उन सब की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दो मुझे जहाँ तक एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। अच्छा, एक्स यहाँ पे देखे लेस देन 1 मीन्स ये एक्स, ठीक है, इस वैल्यू से पीछे पीछे जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उन सबको ऐड करके देना मकसद होता है इस तरह के एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इससे पीछे वाली वैल्यू सबको ऐड करके दिया जाए। अच्छा जी, हमने इसमें करना क्या है, हमने एक टेक्निक मीन्स एक प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। और क्या है कि जब पी एफ एक्स दिया होता है, पी एफ क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि -2 के किसी भी इवेंट के अंदर, -2 के अंदर ऑकर होने के चांसेस 0.1 थे, -1 के k थे। जो कहते हैं एक तो हमें k भी वैल्यू फाइंड करनी है, k वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद हम पी एफ एक्स लेस देन 1 फाइंड कर। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम ये जब सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो हम जो हमारे पास एक समेशन आता है एक्स पी ऑफ एक्स, उसको कहते हैं सम ऑफ पी ऑफ एक्स, सब वैल्यू को ऐड ऐड करके ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये आप ऊपर ऐड करेंगे तो आप ये सबको ऐड करेंगे तो आपको 6k+0.6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऐड करेंगे तो। अच्छा, फिर ये मैंने यहाँ पे वही वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट मैंने ये लिख दी जो टेबल के अंदर थी। अच्छा, अभी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम कि हमें पता है कि जो समेशन या पी सिग्मा पी ऑफ एक्स होता है, ठीक है, मीन्स जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो किसी इवेंट की तो उन सबको जब ऐड करते हैं तो इक्वल टू 1 होता है। तो हमने कहा जी वी नो दैट, ये प्रॉपर्टी इसको मैंने लिखा वी नो दैट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स कि हमने इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो आ गया 1 = 6a+0.6। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा k = 0.067। ओके हो गया जी। अच्छा जी, k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, k की वैल्यू फाइंड की 0.067, ठीक है। अभी हम फाइंड करने के लगे हैं ये वाला पी ऑफ एक्स लेस देन 1, आप री राइट दी टेबल करते हैं, उसी टेबल को उठाया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया और जहाँ जहाँ आपको के नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ इसको आप 0.767 ही रखें, मैंने जो राउंड ऑफ किया है तो आप उसको राउंड ऑफ ना करें, ठीक है, आप खुद कैलकुलेटर घुमाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू मैंने यूज़ की है 0.067 की, और आपने ये इन दोनों मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, और तीनों ये तीन के साथ मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया, आपको जरूर लिखने की जरूरत नहीं है, आप भले डायरेक्ट ये ही लिख देना, ठीक हो गया। अच्छा, समेशन अभी वन कर, आप सबको सम करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, वही मैं दिखाने के लिए लिखा है कि ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, पी ऑफ एक्स लिखने का मतलब क्या होता है कि पी ऑफ -2 इसका जो है उसको सम करो, प्लस पी ऑफ -1 को प्लस करो, प्लस 0 वाले को करो, इनकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से उठा के ये वाली और यहाँ लिखी और आंसर आ गया 0.367। ओके हो गया जी, और इसके साथ ही हमारा सोल्यूशन खत्म हो गया। कोई भी मिस्टेक नज़र आती है आपको तो आप अपने कैलकुलेटर घुमा के सेट कर लीजिए, कमेंट्स में लिख भी दीजिएगा कि यहाँ पे कंप्यूटेशनल एरर है, ठीक है जी, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होगी, कंप्यूटेशनल एरर है। कंसेप्चुअल एरर है तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, कंप्यूटेशनल एरर है तो भले कमेंट में लिख दीजिएगा, और अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते अगर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर हो। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।